वंस अगेन वेलकम इन अभियांत्रिकी। और जैसा कि हमने पिछले ट्यूटोरियल्स में कुछ यूनरी ऑपरेटर के बारे में काफ़ी सारे कंटेंट को समझा है, इसमें एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और उससे हमारे यूनरी ऑपरेटर के जितने भी डाउट्स होंगे वो शायद यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, हमने एक क्लास बनाया यूनरी नाम का, जैसा आप चाहो जो नाम रखना चाहो रख सकते हो, आप इंडिपेंडेंट हो इसके लिए। पब्लिक स्टैटिक वाइडमैन मेथड को हमने कॉल किया, स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स में यहाँ पे पास कर दिया मेथड में, और हमने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट ए इज इक्वल्स टू 10, जैसा आप पिछले प्रोग्राम से करते आ रहे हैं। अब हमने क्या किया कि एक यहाँ अगर इस ऑपरेटर का नाम बताएं तो कौन सा ऑपरेटर है, ये पोस्ट फिक्स ऑपरेटर है। पोस्ट फिक्स ऑपरेटर बोले तो क्या कि पहले यह वैल्यू को प्रिंट करेगा देन इंक्रीज होगा। तो ए प्लस प्लस की अगर हम बात करें तो ए की वैल्यू कितनी है, 10 है। आउटपुट अब यहां क्या आएगा ए प्लस प्लस का, उसको समझो आप, सिर्फ यहां जो आउटपुट आएगा वो आएगा 10। यहां आउटपुट जो आएगा वो क्या आएगा, 10, क्योंकि ये जो चीज है जो ए हम ए प्लस प्लस कर रहे हैं उस कंडीशन में क्या हो रहा है, हम प्रिंट तो पहले कर दे रहे हैं फिर प्लस प्लस कर रहे हैं, बाद में इंक्रीमेंट हो रहा है। इतनी बात समझ में आ गई। अब दूसरी चीज, अगर हम एसओपीएल ना अब ए कराएं तो आप ध्यान दो कि हमने प्रिंट ए किया, ए करने के बाद जो ए की वैल्यू थी वो तो यहां प्रिंट हो गई। कंडीशंस यहाँ पे क्या होंगे कि प्लस प्लस बाद में आ रहा है, मतलब प्लस वन अब होगा जो हमें दिख नहीं रहा है। अब अगर हम SOPLN A करते हैं, मतलब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन A करते हैं, तो यहाँ पे जो आउटपुट आएगा वो आ जाएगा 11। क्लियर, एक बार दोबारा समझा दूँ आपको कि A प्लस प्लस जो कंटेंट है वो क्या कर रहा है कि पहले जो वैल्यू है सेम इट इज प्रिंट करेगा क्योंकि ये पोस्ट फिक्स ऑपरेटर है, और बाद में उस वैल्यू को इंक्रीज करेगा। इंक्रीज बाद में करेगा तो हम प्रिंट तो यहां कराया नहीं है, तो सेम इट इज जो वैल्यू रहेगी वही आ जाएगी। इंक्रीज करने के बाद एसओपीएलएन अगर हम ए कर रहे हैं तो वैल्यू क्या हो गई हमारी, 11 हो गई। अब वैल्यू हो गई ए की 11। एक चीज और जानिएगा कि लेटेस्ट वैल्यू ही मेन वैल्यू होती है जावा में और बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। अब ए की वैल्यू 10 नहीं रहेगी, ए की वैल्यू यहां तक आते आते 11 हो गई। अब हमने यहां पर प्रीफिक्स ऑपरेटर अप्लाई कर दिया, प्लस प्लस ए अप्लाई कर दिया, मतलब क्या होगा कि ए की वैल्यू अब क्या है, 11 है। 11 है लेकिन पहले अब ए की वैल्यू में क्या होगा, 1 का इंक्रीमेंट होगा। प्लस प्लस ए है तो 1 का इंक्रीमेंट होगा, तो 11 प्लस 1 कितना हो जाएगा, मतलब इसकी आउटपुट हो जाएगी 12। और दोबारा से अगर हम ए को प्रिंट कराते हैं तो इसका आउटपुट भी क्या, सेम इट इज जो 12 होगा वही आ जाएगा। अब सेम यही कंटेंट, ये तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर के साथ हमने देख लिया, यही कंटेंट हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर के साथ समझते हैं। दोबारा से हमने ए इज इक्वल टू क्या किया, 10 किया, वेरिएबल लिया और 10 डिक्लेयर कर दिया, उसमें ए माइनस माइनस कर रहे हैं। तो अगर पिछला आपने यहां समझ लिया है तो यहां भी समझ में आएगा कि ए माइनस माइनस करने का मतलब क्या, कि ए तो पहले प्रिंट कर देगा 10 हो गया, बाद में उसकी वैल्यू एक क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ये पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, मतलब वैल्यू डिक्रीज होगी। 10 वैल्यू है, अब यहां क्या हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट 9 हो जाएगा, ठीक है, जो प्रिंट तो नहीं करेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगर हम अब ए की वैल्यू को प्रिंट कराते हैं तो वैल्यू क्या आएगी यहां पे, 9 आएगी, क्योंकि पहले प्रिंट हुई बाद में क्या हुई, डिक्रीज हुई, प्रिंट होने के बाद डिक्रीज हुई, तो प्रिंट हमने पहले करा लिया तो जो प्रिंट वैल्यू होनी चाहिए वही होगी, डिक्रीजमेंट वैल्यू जो डिक्रीमेंट हुई है वो वैल्यू हमें शो नहीं करेगी। एसओपीएलएन हमने ए कर दिया, अब हमारी वैल्यू क्या हो गई, 9 हो गई। अब यहाँ आप ध्यान दो तो ये तो पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट था, अब ये प्रीफिक्स डिक्रीमेंट है। प्रीफिक्स डिक्रीमेंट में क्या होता है कि जो भी ए की वैल्यू होगी और ए की जो निवली वैल्यू है वो 9 है, 10 नहीं है, 9 है। तो अब SOPLN अगर माइनस माइनस ए करते हैं तो इसको समझिए आप, पहले ए की वैल्यू में क्या होगा, डिक्रीमेंट परफॉर्म होगा, फिर बाद में जाके ए प्रिंट होगा। तो अगर हमें डिक्रीमेंट परफॉर्म होगा, और मैंने पहले ही बताया है कि जो यूनरी ऑपरेटर होता है उसमें इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट जो भी होता है वो सिर्फ एक का होता है, एक वैल्यू बढ़ती है या एक वैल्यू घटती है। तो यहां अगर हम 9 को डिक्रीमेंट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 9 - 1 8, पहले डिक्रीमेंट होगा देन प्रिंट करेगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। एसओपीएलएन हम ए करते हैं, हम यहाँ पे इस कंटेंट को समझो, एसओपीएलएन अगर ए करते हैं तो जो ए की वैल्यू है वही यहाँ पे आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपकी जो समस्याएं थी पीछे, जो चीज़ें समझ में नहीं आई होंगी वो इस ट्यूटोरियल को देखने के बाद समझ में आई है। आप मच मोर प्रैक्टिस करिए इन सारी चीज़ों पे, क्योंकि अगर इसके डाउट्स क्लियर हैं तो आगे आने वाले प्रॉब्लम्स आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़।